हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो इतने दिन से हम लोग पिकसार्ट में, लाइट रूम में, उसके बाद स्नैपसीड में एडिटिंग सीखते आए हो। आज सीखेंगे हम लोग ऑनलाइन कैसे फ़ोटो एडिटिंग किया जाता है, जो टोटली वेबसाइट के थ्रू हम लोग एडिटिंग करके दिखाएंगे। तो आज का वीडियो बहुत अच्छा बनने वाला है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले अपना गूगल में चला जाना, मोबाइल का गूगल में जाके लिखना है फोटोपिया, PHOTOPEA फोटोपिया.com, फोटोपिया.com लिख के इसको सर्च करना है। ये हो गया सर्च। ये फाइल ऑप्शन में जाना है, ये देखिए फाइल ऑप्शन, इसमें जाना। ये फाइल ऑप्शन से ओपन में जाना है, ये ओपन जो सेकंड में है इसमें जाना है। जाने के बाद अपना फाइल सिलेक्ट करके इधर से एक फ़ोटो ले लेना है। चलिए मैं एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ, मान के चलिए मैं ये अपना ये फ़ोटो ले लूँ। फोटो लेने के बाद हम किस ऑप्शन में, हाथ वाला ऑप्शन में, ताकि फ़ोटो को इधर उधर ले जा सके, ये हाथ वाला ऑप्शन। अभी हम जाएंगे लेयर वाला ऑप्शन में, ये रहा। इसमें जाने के बाद ये वाला बीच वाला ऑप्शन में टच करेंगे। इसके बाद देखिए इधर कलर लॉकअप एक ऑप्शन है, इसमें टच करेंगे। कलर लॉकअप के बाद ये छोटा वाला एरो में टच करेंगे। एक बाद ये दूसरा एरो में टच करेंगे, इसमें ये लोड जो तीसरा नंबर ऑप्शन है इसमें टच करेंगे, करके आप अपना प्रीसेट ले लेंगे। और जैसे आप प्रीसेट सिलेक्ट करेंगे वैसे अपना फ़ोटो जो था वो खुद में पेस्ट कर लेंगे, वो प्रीसेट का टोटल मटेरियल का, और फोटो कुछ ऐसा बन जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, वो फाइल ऑप्शन में जाएंगे। जाने के बाद उसमें शेयर और सेव दोनों ऑप्शन मिलेगा, आप इजीली इसको अपने गैलरी में सेव कर लीजिए। तो आज का जो वीडियो था बहुत ही छोटा था लेकिन बहुत यूनिक था, तो उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और हमारे साथ जुड़िए। तो चलिए, थैंक यू।